आजकल पोटली बटन्स काफ़ी ट्रेंड में हैं, फिर चाहे वो आपका नेक डिज़ाइन हो या स्लीव्स डिज़ाइन हो, उसमें हम पोटली बटन्स लगाकर डिज़ाइन को और खूबसूरत करते हैं। अब ये काफ़ी सुंदर नेक डिज़ाइंस या स्लीव डिज़ाइंस बनाने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में पोटली बटन्स की ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे पोटली बटन्स बनाने के लिए हमें समय और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक स्मार्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोटली बटन्स वो भी एक जैसे बना सके। तो इसमें हमारी समय और मेहनत दोनों की बचत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव फैशन चैनल में। तो पोटली बटन्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है ये, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच, और लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितने आपको पोटली बटन्स चाहिए उसके हिसाब से, बस चौड़ाई आपको 5 इंच रखनी है। अब इस कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड करके लिया। हमें ये स्क्वेयर काटने हैं, सबसे पहले पोटली बटन्स बनाने के लिए स्क्वेयर काटेंगे। तो इस तरह से मैंने मार्किंग करके इसको इस तरह से फोल्ड किया। ये मेरे 3 फोल्ड आ गए हैं, आपके 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कपड़ा मेरा कम पड़ा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पर जो फोल्ड है उसको हम कट करेंगे। ये मैं एक साथ हम स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कट करें ये बता रही हूँ। अब इसको मैंने फिर से फोल्ड किया और फोल्ड के ऊपर से कट लगाया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कपड़ा कम पड़ा था, तो उसमें से ये इस तरह से टुकड़े निकले हैं, वो उसको मैं साइड में रखूँगी, सिर्फ मैं स्क्वायर लूँगी। अब जहाँ जहाँ पर फोल्ड है वहाँ वहाँ पर हम कट करेंगे और एक एक स्क्वायर अलग करेंगे। इस तरह से काफ़ी सारे स्क्वेयर यानी चौकोर हमारे निकल के आए हैं। तो ये बहुत सारे मेरे पोटली बटन्स बनेंगे इतने स्क्वेयर में। आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप लंबा पट्टी कपड़े की लीजिएगा। तो बस मैं स्क्वेयर लूँगी और जो छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं उसको मैं साइड में रखूँगी। अब स्क्वेयर को ये देखिए मेरे 2x2.5 इंच के स्क्वेयर बने हैं। अब ये जो पीसेस निकले टुकड़े निकले हैं इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करूँगी, क्योंकि पोटली बटन्स में भरने के लिए हमें कपड़ों के टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। आप कपड़ों के टुकड़े भी भर सकते हो या कॉटन भी भर सकते हो या कोई स्पंज वगैरह भी उसमें स्टफ़ कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर कपड़ों के टुकड़े यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सिकुड़ते नहीं हैं। तो आप कोई भी कलर के कपड़ों के टुकड़े यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने नेट का कपड़ा लिया है, जो कि मेरे पास नेट के कपड़ों के टुकड़े थे, तो वो मैं उसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी इस तरह से पोटली बटन्स के अंदर भरने के लिए। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पीसेस बनाकर लिए हैं। अब जो हमने स्क्वायर कट किए थे उसमें से मैं एक स्क्वायर लूँगी। अब सबसे पहले मशीन का जो नॉब है उसको हम ऊपर उठाएंगे और जो स्क्वायर है हमारा उसमें सेंटर पॉइंट लगाएंगे। अब सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। अब जहाँ पर सेंटर पॉइंट हमने लगाया है वहाँ पर हम सुई को अंदर डालेंगे इस तरह से। अब ये कपड़ा हमारे यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब जहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्क लगाया था वहाँ पर हम पेन को रखेंगे और बस कपड़े को गोल घुमाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा एक सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये सर्कल बन जाता है। इसी तरह से सारे स्क्वायर के ऊपर हम सर्कल बना कर लेंगे। तो सेंटर पॉइंट मैंने डाल दिया, सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच पर मार्क किया, सेंटर पॉइंट के ऊपर सुई डाल दी और 1/2 इंच के ऊपर पेन रखकर कपड़े को गोल घुमाया। इसी तरह से सारे स्क्वायर के ऊपर एक जैसे सर्कल बनेंगे। अब जो हमने सर्कल बना कर लिए हैं उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखो मैंने नीडल में यानी सुई में मैंने व्हाइट कलर का धागा डाला है और नीचे मैंने लाल कलर का धागा डाला है, बॉबिन में लाल कलर का धागा डाला है। तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए डाला है, क्योंकि दोनों व्हाइट डालती तो आपको समझ में नहीं आता, तो आप मैचिंग धागा ही डालिएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया और जो सर्कल हमने निकाला था वहाँ पर सबसे पहले हमने आगे पीछे करके रिवर्स स्टिच डाली यानी धागे को लॉक कर दिया। अब मैं पूरे सर्कल में सिलाई लगाऊंगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी सिलाई है ये सबसे बड़ा टाका रखिएगा, टाके का जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैंने लिया है। तो मेरे मशीन में 5 नंबर सबसे बड़ा था तो मैंने 5 नंबर लिया और सर्कल में इसको सिलाई लगा दी। लास्ट में हमें कोई रिवर्स स्टिच नहीं लेनी है,
बस सिंपली हमें धागे को तोड़ना है। अब ये धागा हम थोड़ा लंबा रखकर तोड़ेंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से इतना लंबा रखा है और ऊपर का व्हाइट और नीचे का रेड दोनों धागे मैंने तोड़ दिए, दोनों धागे मैंने लंबे रखे हैं। अब इसको मैं साइड में रखूंगी। इसी तरह से हम सारे सर्कल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले रिवर्स स्टिच लेनी है, धागे को लॉक करना है और फिर गोलाई में सिलाई लगाएंगे। बस टाके के ऊपर टाका मत चढ़ाइएगा लास्ट में। और इस तरह से हम लंबा धागा रखकर तोड़ेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे सर्कल्स बना दिए हैं। ये देखिए मैंने तीन बनाए हैं। आपको जितने चाहिए उतने आप बना कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऊपर की तरफ हमारा व्हाइट कलर का यानी सफ़ेद कलर का धागा है जो कि हमने सुई में डाला था, और नीचे की तरफ हमारा लाल कलर का धागा है जो कि मैंने बॉबिन में डाला था। अब ये जो ऊपर का व्हाइट कलर का धागा है इसको अच्छे से हम यहाँ पर बीच में डाल देंगे। इस सर्कल के बीच में मैंने इस धागे को रख दिया। अब जो हमने कपड़ों के पीसेस करके लिए थे पोटली बटन्स में भरने के लिए, उसमें से थोड़ा सा मैंने लिया और इसको अच्छे से दबा दबा कर एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। ये इस तरह से दिखेगा। अब इसको हम इस सर्कल में भर देंगे, इसके बीच में हम इसको इस तरह से भर देंगे और अंगूठे से इसको अच्छे से दबाइएगा। अब देखो उल्टी साइड में हमारा लाल कलर का धागा है, तो यहाँ पर आपको दो कलर के दो धागे दिखेंगे। तो उसमें से लंबा वाला धागा हमें लेना है। जो छोटा वाला धागा है उसको नहीं पकड़ना, जो धागा लंबा है उसको हमें पकड़ना है। छोटा वाला धागा मैंने नहीं पकड़ा, लंबा वाला धागा पकड़ा है। अब इस धागे को हम हल्के हाथ से खींचेंगे। यहाँ पर मैं हल्के हल्के हाथ से धागे को खींच रही हूँ। जैसे जैसे हम धागा खींचेंगे वैसे वैसे कपड़े के जो चारों किनारे हैं ऊपर के वो इकट्ठा हो जाएंगे और ये इस तरह से बनता जाएगा। अब देखिए ये सारे ऊपर का कपड़ा इकट्ठा हो गया है। अब ये जो लाल कलर का धागा है वो हम वैसे ही छोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से फिर से एक बार दबाकर इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ाकर लेंगे इस तरह से, यानी इसको थोड़ा कड़क करेंगे पोटली बटन को। अब ये जो लाल कलर का धागा है इसको राउंड में अच्छे से घुमाएंगे, टाइटली घुमाएंगे। ये दोनों धागे मैंने पकड़े हैं जो दो धागे थे, और इसको इस तरह से नॉट लगाएंगे। देखिए मैंने किस तरह से इसको लिया है, इस तरह से राउंड में घुमाना है और पोटली बटन के ऊपर डाल देना है। इस तरह से तीन से चार बार अच्छे से यहाँ पर नॉट लगा दीजिएगा, ये पक्का हो जाएगा। ये पोटली बटन बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए ये बन गया। बनने के बाद जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है इसको हम कट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा पोटली बटन रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे पोटली बटन्स बनाएंगे। अब इस पोटली बटन बनाते समय हमने एक जैसे सर्कल किए हैं तो ऑब्वियसली सारे पोटली बटन्स हमारे एक जैसे बनेंगे, और ये बनके तैयार है। तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।